खबर देहरादून से है, जहां देहरादून के विकास नगर स्थित एक निजी स्कूल में सीएम धामी ने सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी की पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ हिंदुज्म का विमोचन किया। इस कार्यक्रम के दौरान स्कूल प्रबंधन सहित सेवानिवृत्त कई सैन्य अधिकारियों ने शिरकत की। सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉक्टर जीडी बख्शी ने अपनी पुस्तक के बारे में विस्तार से चर्चा की और सनातन धर्म के इतिहास का महत्व बताते हुए छात्र छात्राओं के सवालों के जवाब भी दिए। एक ऐसी खोज जहां से हम प्रारंभ होते हैं उसके मूल तक ले जाने का काम करती है, और इसमें इतने सारे विद्वजन यहां पर हैं, आप सबके सम्मुख में भी आया हूं मैं निश्चित रूप से। सीएम धामी ने नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास का लोकार्पण किया। उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों को ठहरने की सुविधा प्रदान करेगा। राज्य की सांस्कृतिक विविधताओं पर आधारित निवास गृह वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। राज्य स्थापना दिवस के सभी कार्यक्रम अब सादगी से मनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अल्मोड़ा के मरचूला में हुए हादसा राज्य के लोगों के लिए बड़ा शोक है, इसलिए सरकार ने राज्य स्थापना दिवस के सभी कार्यक्रम सादगी से मनाने का फैसला किया है। 8 नवंबर को होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 8 नवंबर को प्रस्तावित सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर प्रदेश भर में सेवा और स्वच्छता के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य स्थापना दिवस के तहत आयोजित होने वाले बड़े समारोह, लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों के दौरान भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। सचिवालय में रोडवेज के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के मार्गों पर अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चमोली खेल विभाग की ओर से राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, तो वहीं प्रतियोगिता में प्रदेश भर के सभी जनपदों से टीमें पहुंची हैं, जिसमें 150 से अधिक खिलाड़ी पहुंचे हैं। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का पहला मैच देहरादून और चंपावत के बीच खेला गया। इस दौरान वॉलीबॉल संघ के प्रदेश सचिव हेम पुजारी ने कहा कि इस तरीके की प्रतियोगिताओं से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को प्रतिभाग करने के लिए मौका मिलेगा। सर, पहले तो मतलब लड़कियों में क्रेज क्यों था, अब धीरे धीरे जैसे क्रेज बढ़ रहा है तो लग रहा है कि लड़कियां आगे बढ़ी, क्योंकि सारी लड़कियां मेहनत करती है अब खेलने पे, मतलब हर जगह प्रतिभा करती है, वो चाहे छोटी से छोटी जगह पे हो, बड़े से बड़ी जगह पे हो, हार जीत तो लगी रहती है, बट फिर भी हर लड़कियां वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। सर, प्रदेश सरकार गौवंश की रक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसे गौवंश जिनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है उनके लिए पूरे प्रदेश में करीब 72 गौशालाएं बनाने जा रही है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां गौवंश की रक्षा के लिए कैबिनेट से पॉलिसी स्वीकृत कराई गई है। इसके लिए 17.5 करोड़ रुपए की राशि भी रिलीज कर दी गई है। आपको बता दें कि आगामी 5 से 6 महीने में प्रदेश में गौशालाएँ तैयार हो जाएगी। देखिए, हमने उत्तराखंड पहला प्रदेश है पूरे देश में जिन्होंने निराश्रित गौवंश को सपोर्ट करने के लिए, निराश्रित गौवंश को एक घर देने के लिए एक कैबिनेट से पॉलिसी स्वीकृत कराई है, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड में 72 नई गौशालाओं के अभी तक हमको DPR आ चुके हैं, हम बनाएंगे। हमने जिले के DMs को पावर दी है कि किसी भी सरकारी भूमि को आप गौशाला के इस्तेमाल के लिए आप उसको प्रस्तावित कर सकते हैं। ये तीन विभाग, अकेले हमारा विभाग नहीं, ये तीन विभाग मिलकर ये काम करेगा, शहरी विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और एनिमल हस्बेंड्री मंत्रालय। जो जमीन शहरी विकास के अंतर्गत आएगी उसको शहरी विकास मंत्रालय का प्रस्ताव आएगा, उसका पैसा वितरण एनिमल हस्बेंड्री विभाग करेगा, देखरेख एनिमल हस्बेंड्री विभाग करेगा, और पंचायत में जो जमीनें होंगी उसका प्रपोजल पंचायत जिला पंचायत के माध्यम से हमको भेजा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया 72 नई गौशालाएं हमको प्रस्ताव आए हैं, 17.5 करोड़ रुपए के आसपास अभी तक धरातल पे रिलीज कर चुके हैं। बहुत सारी गौशालाएं ऐसी हैं उनका काम 50-60%। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चमोली खेल विभाग की ओर से राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, तो वहीं प्रतियोगिता में प्रदेश भर के सभी जनपदों से टीमें पहुंची हैं, जिसमें 150 से अधिक खिलाड़ी पहुंचे हैं। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का पहला मैच देहरादून और चंपावत के बीच खेला गया।
इस दौरान वॉलीबॉल संघ के प्रदेश सचिव हेम पुजारी ने कहा कि इस तरीके की प्रतियोगिताओं से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को प्रतिभा करने के लिए मौका मिलेगा। सर पहले तो मतलब लड़कियों में क्रेज कम था, अब धीरे धीरे जैसे क्रेज बढ़ रहा है तो लग रहा है कि लड़कियां आगे बढ़ी, क्योंकि सारी लड़कियां मेहनत करती है अब खेलने पे, मतलब हर जगह प्रतिभा करती है वो, चाहे छोटी से छोटी जगह पे हो, बड़े से बड़ी जगह पे हो, हार जीत तो लगी रहती है बट फिर भी हर लड़कियां वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। हमारा जनपद पहले से भी काफ़ी स्पोर्ट्स एरियाज में आगे रहा है और वॉलीबॉल में भी हमारे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, और जैसा कि हमें पता है आज हमारे यहाँ जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है इसमें 12 जनपद प्रतिभा कर रहे हैं, पिथौरागढ़ किसी कारण से नहीं पहुँच पाए हैं और सारे बच्चों से हमारी बात होगी, सारी तैयारी हमारी यहाँ पर है, पहले से भी हमारा वॉलीबॉल के लिए यहाँ पर हॉस्टल चल रहा है, सारे कोचेज वैसे सारे तैयार हैं, मुझे आशा है कि बच्चे इसको इंजॉय करेंगे, स्थानीय लोग भी इंजॉय करेंगे और आगे बच्चे इसको देखिए किए जाने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन ये जो ग्रास रूट लेवल पे जो प्रयास होता है ये उस प्रयास का एक हिस्सा है, खास करके बालिकाओं के मामले में। और मैं साधुवाद देता हूँ खेल विभाग चमोली को, जो हमारे जिला क्रीड़ा अधिकारी हैं गिरीश जी को, कि ये ग्रास रूट लेवल पे लड़कियों के लिए जो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बॉयज पे तो सबका ध्यान होता है लेकिन बालिकाओं पे थोड़ा हम पीछे रह जाते हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और आप सब लोगों का जो सहयोग है वो हमको मिलना चाहिए इसमें वॉलीबॉल खेल को आगे बढ़ाने। खबर उधम सिंह नगर के गदरपुर से है, जहां पर गदरपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में तहसील दिवस मनाया गया, जिसमें जिला स्तर के सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए और बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। इस मौके पर ADM अशोक जोशी ने बताया कि राशन कार्ड और अन्य तरह की समस्याएँ आई थी, जिनमें निराकरण के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं। इनकी अनेक तरह की अनेक विभागों की समस्याएं भी सामने आई है और मौके पर कई शिकायतों को निस्तारित भी किया गया है। जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं, बिजली के बिल से संबंधित है, अंत्योदय राशन कार्ड से संबंधित है, कुछ शिकायतें आपकी रास्ता इंक्रोज है उसके संबंध में, कुछ किसान पेंशन के संबंध में भी हैं। तो संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो जो भी शिकायतें प्राप्त हैं उनका त्वरित निस्तारण करें ताकि जनता को लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अल्मोड़ा के मरचुला में हुई बस दुर्घटना में 36 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब प्रदेश सरकार इस हादसे की बारीकी से जांच कर रही है। इसी कड़ी में अब एक लापरवाही सामने आ रही है। इस दुर्घटना का अब मुख्य कारण क्रॉस बैरियर का नहीं होना बताया जा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उस जगह पर क्रॉस बैरियर लगाने का PWD विभाग ने मार्च में ही सेशन कर दिया था, आपको बता दें, लेकिन उसके बाद भी उसी जगह पर क्रॉस बैरियर नहीं लगाए गए, जिसके कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ। PWD सचिव पंकज पांडे ने जाँच कमेटी का गठन कर 3 दिन में जाँच के आदेश दिए। आई है कि वहां पे क्रैश बैरियर नहीं था और फिर मैंने पता किया तो इसमें हमने लास्ट ईयर मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मार्च में ये वहां पे क्रैश बैरियर लगाए जाने का सैंक्शन दिया है, तो उस पर मैंने एक समिति गठित की है, जो अपर सचिव है हमारे PWD के धीराज गर्ब्याल, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है, उसमें चीफ इंजीनियर जो हेडक्वार्टर के हैं ओम प्रकाश जी वो सदस्य हैं, 3 दिन में उनको रिपोर्ट देने को कहा गया है कि जब यहां से स्वीकृत हो गया था क्रैश बैरियर सैंक्शन था पूरा रोड सेफ्टी के सारे काम, तो उसके बाद अभी तक वो काम क्यों नहीं हुआ, टेंडर क्यों लेट हुआ और काम क्यों नहीं हुआ, तो इस पे भी जांच करके 3 दिन में समिति बताएगी। और चीफ इंजीनियर को कल ही मैंने भेजा था साइट पे, चीफ इंजीनियर ने पूरे स्ट्रेच का निरीक्षण किया और एक रिपोर्ट उन्होंने भी दी है, उनका कहना है कि सड़क की स्थिति संतोषजनक है, उसमें वैसे गड्ढे या ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से। खबर पौड़ी से है, जहां एक युवक ने एक युवती के अश्लील फोटोज फेसबुक अकाउंट से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए, जिसके चलते युवती बदनामी के डर से घर से चली गई, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। सूचना के बाद पुलिस ने प्रयासों से गुमशुदा युवती को कोटद्वार से बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त शहनवाज मिर्जा को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना पठानी क्षेत्र के अंतर्गत देर रात्रि हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया कि एक युवती है जो कि कल 3 से घर से चली गई है और एक युवक के द्वारा युवती का एक फोटो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर डाला गया है, जिसका संज्ञान लेते हुए हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए तो मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत देर रात्रि में ही हम लोगों ने टीम रवाना की और टीम्स के द्वारा उक्त युवती को कोटद्वार से हम लोगों ने बरामद कर लिया
और बरामदगी के उपरांत जो इस घटना में संलिप्त युवक है इसको भी हमारी टीम के द्वारा बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना पठानी क्षेत्र के अंतर्गत देर रात्रि। खबर चमोली से है जहां पर नक्षत्र सभा की अगली कड़ी बेनीताल घाटी में आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम जिला प्रशासन के जरिए स्टार्स कैप्स और पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से 8 से 10 नवंबर तक होगा। यह कार्यक्रम अद्वितीय खगोलीय अवलोकन, एस्ट्रो फोटोग्राफी सत्र और सांस्कृतिक समर्पण का अनुभव प्रदान करेगा। आज की बात करें तो यह तहसील कर्णप्रयाग में अवस्थित है वर्तमान में, और ये एक मेडोज के पास लगा हुआ क्षेत्र है जहाँ पर एक पर्यटन विभाग के द्वारा इवेंट कराया जा रहा है 8-9-10 तारीख को नवंबर माह में, जिसका नाम है नक्षत्र सभा। इस जो जगह की महत्ता है इस बात से बढ़ जाती है कि यहाँ पर लाइट पॉल्यूशन बहुत कम है, मेडोज है, आसपास ट्रेकिंग के लिए स्थान है, स्टारस्केप जो एक फॉर्म है उसके माध्यम से यहाँ पर जो नाइट स्काई व्यूइंग के एक्सपर्ट्स हैं वो आएंगे और पर्यटकों को एक अलग लेवल पर ले जा करके उनको हम नाइट स्काई विजन और जो हमारे खगोल के हमारे उत्तराखंड के हरिद्वार में महामंडलेश्वर किन्नर संत हिमांगी सखी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। हम बटेंगे तो कटेंगे बयान पर किन्नर संत ने कहा कि सनातन संतों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम लोगों को संगठित और सतर्क रहना होगा। दरअसल कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी को लेकर एक विवादित वीडियो सामने आया जिसे लेकर सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई। अल्मोड़ा में हुए बस हादसे के बाद सरकार गंभीर नजर आ रही है और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की जानकारी दी है कि 9 नवंबर उत्तराखंड का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाने जा रहा था, लेकिन इस हादसे के बाद उसे अब बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से मनाया जाएगा। इसके साथ ही 8 नवंबर को कई सारे रंगारंग कार्यक्रम होने थे जिन्हें स्थगित कर दिया गया है। वहीं अब प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद सूचना विभाग के डीजी बंशीधर तिवारी ने बताया कि जो भी कार्यक्रम होने थे उन्हें 9 नवंबर को शांतिपूर्वक ढंग से मनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई थी और उसमें निर्णय लिया गया है कि चूंकि कल बहुत ही एक दुखद घटना हो गई, बड़ी दुर्घटना जिसमें काफ़ी लोग हताहत हुए, तो माननीय मुख्यमंत्री स्वयं बहुत दुखी हैं। तो जो राज्य स्थापना कार्यक्रम थे वो बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाए जाएंगे, तो सभी प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं वो उनको स्थगित कर दिया गया है और जो अन्य कार्यक्रम है वो भी बहुत सादगीपूर्ण तरीके से मनाए जाएंगे। क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, जैसे प्रवासी कार्यक्रम रहेगा? नहीं, जैसे जो प्रवासी कार्यक्रम आयोजित होगा उसके बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उसको निरस्त किया गया है। 8 तारीख को जो कल्चरल था उसको निरस्त किया गया है। हम लोगों का एक विकास पुस्तिका का विमोचन के साथ ही एक भोज का कार्यक्रम रखा गया था, तो विकास पुस्तिका का विमोचन हमने परेड ग्राउंड में स्थानांतरित कर दिया है। भोज का जो कार्यक्रम है वो बाद। खबर उत्तरकाशी से है जहां ब्रह्मखल के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया जिसमें ट्रक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद व्यक्ति के शव को बाहर निकाला गया। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। वहीं इस बार भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल चुनावी रण में उतरी हैं। सभी पार्टियां चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गई है। वहीं भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या कुलदीप रावत जो पहले टिकट की बात कह रहे थे वो अब बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता पार्टी के साथ खड़े हैं और हमारा चुनाव प्रचार बहुत अच्छी गति पकड़ चुका है। हमारे राष्ट्रीय जो हमारे स्टार प्रचारक हैं उनके कार्यक्रम हम बना रहे हैं। 3 बड़े सम्मेलन हमने वहाँ पर करने हैं, जिसमें महिला सम्मेलन है, पूर्व सैनिक सम्मेलन है और हमारा अनुसूचित जाति का सम्मेलन है। उन सम्मेलनों के लिए नेतृत्व के लीडर्स वहाँ पहुँचेगी। मुख्यमंत्री जी भी 3 कार्यक्रम वहाँ करने वाले हैं और मेरा स्वयं का भी 2-3 दिन का वहाँ का कार्यक्रम बनने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ कि बूथ केंद्रित चुनाव संरचना हमने वहाँ बनाए हुए हैं। उस दिशा में सब प्रकार की हमारी बैठकें हैं। कल दिल्ली के अंदर जो प्रवासी केदारनाथ के लोगों से मेरा मिलना बैठा होगी। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी विषाद बिछानी शुरू कर दी है।
सत्तारूढ़ भाजपा केदारनाथ सीट को अपने पक्ष में करने के लिए विशेषकर महिला वोटों पर फोकस कर रही है। भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत को चुनाव प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अनुकृति गुसाई हमारी कार्यकर्ता है और जो लोग वहाँ से पूर्व में निर्दलीय लड़ रहे थे वह आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वह सभी लोग मिलकर बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। हमारी कार्यकर्ता हैं और वो भी कैंडिडेट के साथ आज घूम रही हैं। कुलदीप जी जो हमारे पूर्व में वहाँ निर्दलीय लड़े थे वो भी वहाँ चुनाव प्रचार में लग गए हैं। हमारे दो और कार्यकर्ता जो पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे उनको भी हमने काम में लगाया। मैं कह रहा हूँ लगभग अभी तक के सर्वाधिक मतों से जीतने वाले विधानसभा केदारनाथ।